नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री स्कूल फॉर जेंडर आइडेंटिटी कि अगर हम अपने बच्चों को प्री स्कूल में भेजते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी जेंडर आइडेंटिटी पे? सो वी सी क्वालिटी अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड प्री प्राइमरी स्कूलिंग रिप्रेजेंट वन ऑफ दी सर्विस द चिल्ड्रेन नीड टू डिप देयर फुल पोटेंशियल इन द आर्जर्स देखिए एक तो प्री स्कूल जो एजुकेशन है उसका सबसे बड़ा फर्क ये पड़ता है के बचपन से ही बच्चे के अंदर जो सलाहियतें हैं जबान सीखने की हैं कुछ भी करने की हैं कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन कोई साइंस कोई आर्ट जो कुछ उसके अंदर है वो शुरू से ही बाहर आना शुरू करता है और वो उसका एक्सपोजर है उसका इंटरेक्शन है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ तो वो कोशिश करता है कि वो सारी सीखें फिर गर्ल्स मेकअप फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ़ तो द तो एस्टिटेड फिफ्टी एट मिलियन प्राइमरी स्कूल एजड चिल्ड्रेन हु आर आउट ऑफ स्कूल अब देखिए वो बच्चियाँ जो हैं ही आउट ऑफ स्कूल और अभी प्री स्कूल में आई ही नहीं हैं तो उन बच्चियों के जाहिर है वो पोटेंशियल वो खूबियाँ जो उन्होंने सीखना था जो उनके मौा थे वो उनको नहीं मिल सके ऑफ ऑल द गर्ल्स हु आर आउट ऑफ स्कूल अ फार ग्रेटर प्रोपोर्शन फोर्टी एट परसेंट आर लाइकली नेवर टू इन स्कूल कंपेयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ आउट ऑफ स्कूल बॉयज़ थर्टी सेवन परसेंट तो देखिए इतनी बहुत सी बच्चियां जो हैं उन्हें तो कोई चांसेस ही नहीं हैं कोई सूरत हाल ही नहीं है कि वो कभी स्कूल जाएं या स्कूल में कुछ सीखें जेंडर एक्सपेक्टेशन फॉर गर्ल्स फ्यूचर रोल्स इम्पैक्ट ऑन द राइट टू प्ले एंड डिस्कवर द वर्ल्ड अब होता क्या है कि जब प्री स्कूल जैसे हमने अर्ज किया कि एक फुल पैकेज है एक पूरा केयर प्रोग्राम भी है इसमें हम ना सिर्फ बच्चे को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं बल्कि वो यहाँ खेलता है दूसरे साथियों के साथ मिल के चेयर अप करता है प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके फिज़िकल लिम्स ग्रो करते हैं और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है तो क्या 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 चीज़ें जो हैं वो फ़र्क डाल सकती हैं लेस अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए अगर आप बच्चे को शुरू से ये बताएंगे ही नहीं कि तालीम तुम्हारा हक है और तुम भी कुछ कर सकती हो तो फिर ज़िंदगी में कभी महसूस ही नहीं करेगी कि उस भी उसकी भी कोई जिम्मेदारी है कि उसने अर्न करना है या लर्न करना है या कुछ करना है फिर नीड फॉर हाउस होल्ड आपने उसको घरदारी के लिए पहले से ही स्पेयर कर दिया कि उसने बस ये एक जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सारी चीजें जो हाउस कोर्स हैं उनको कोई स्टेट भी इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा नहीं समझती जबकि वो है लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज एट स्कूल अब अगला मसला ये है कि क्यों बच्चियों को स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा एक तो इसलिए भी कि वालदे जैसे हमने पीछे भी बात की कि हमारा कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम भी ऐसा है कि बच्चियों की तालुम तालीम को बुरा समझा जाता है या मुफीद नहीं समझा जाता दूसरा ये कि अब माँ बाप इस बात से भी डरे हुए हैं कि स्कूल इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ सैनिटेशन का कोई मतलब वॉशरूम्स नहीं हैं हाथ धोने के सिस्टम्स नहीं हैं बहुत से स्कूल ऐसे हैं रिमोट एरियाज़ में हैं गाँव में हैं या बैकवर्ड एरियाज में हैं वहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं तो बच्चियाँ जाएंगी तो परेशान होंगी क्या करेंगी प्रोटेक्शन वाई गोइंग टू स्कूल अब देखिए घर से बाहर निकली है छोटी बच्ची और वो स्कूल तक जाएगी तो किसी ना किसी को साथ जाना पड़ेगा आप उसको अकेला नहीं भेज सकते तो अगर माँ या बाप फारिग नहीं है या कोई और बिजीनेस है तो फिर उनको कौन लेके जाए कौन लेके आए और लड़कों को तो भेज सकते हैं या भेजते हैं तो ऐसी सूरत में एक ये भी रुकावट है फिर हम देखते हैं कि ग्लोबली गर्ल्स एजेड फाइव टू नाइन ईयर्स स्पेंड एन एवरेज ऑफ फोर आवर्स अ वीक ऑन हाउस होल्ड अब सारी दुनिया की बच्चियां हम किसी एक कल्चर की बात नहीं कर रहे सारी दुनिया की बच्चियां हाउस कोर्स का हिस्सा हैं क्या वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो जब वो घर के काम कर रही होती हैं तो उनको उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली एजुकेशन के लिए स्पेयर ही नहीं करती तो वो समझते हैं कि अगर हम इनको स्कूल भेज देंगे तो इसके बदले में ये काम कौन करेगा एंड देन थर्टी परसेंट मोर ऑफ देयर टाइम देन डू बॉयज ऑफ द सेम एज और ये जो हाउस कोर्स हैं वो अपने जो भाई हैं उनके मुकाबले में तीस फीसद जो है वो वो यानी लड़के जो हैं वो उनसे कम काम करते हैं और लड़कियां उनसे ज़्यादा काम हैं जितने भी घरों में बच्चे हैं लड़कों को काम पे नहीं लगाया जाता खा हाँ वो ठीक है कुछ ऐसे काम भी तो है ना जो लड़के कर सकते लेकिन वो भी उनको करने को नहीं कहा जाता बल्कि उसके मुकाबले में बच्चियाँ ज़्यादा घर के कामों में हिस्सा लेती हैं तो अब देखिए क्या क्या फैक्टर हुए कि वो स्कूल जाएंगी कैसे स्कूल का खर्चा कौन देगा घर के काम कौन करेगा और फिर ये कि शायद बच्चियों को भेज देंगे तालीम के लिए तो अच्छा ही नहीं होगा यह हमारी रिवायत ही नहीं है ये वो सारी चीज़ें हैं जो उनको प्री स्कूल से हटा रही हैं देखिए पूरी दुनिया में जैसे हमने अर्ज़ किया इस तरह का डिफरेंस डिस्टिंक्शन नहीं है लेकिन हमारे कुछ इलाकों में अभी तक भी बच्चियों की तालीम को आ, मना किया जाता है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस फैलाना है